हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज हफ्ते का पहला दिन मंडे और एक स्लगिश चॉपी मार्केट हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी में तो डेड मूव आज देखने को मिली। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का रिव्यू करते क्विकली, फिर कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग आज निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ सेकंड टारगेट के पास, एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया तो ब्रेकआउट लेवल ने यहाँ पर दो बार सपोर्ट का काम किया। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट बाउंस बैक हुआ, तभी दोनों भी अचीव्ड हुए। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा नीचे आया तो फर्स्ट टारगेट को एज अ सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ। तो निफ्टी इंडेक्स में भी काफ़ी एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल साबित हुए जो हमने आइडेंटिफाई किए थे फ्राइडे को। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ किया था। ये जो लास्ट स्विंग हाई लो मिला था उसको पकड़ के हमने इसको ड्रॉ किया था। यहाँ पर एक और लेवल ऐड कर दी थी 150 की लेवल, उसे फिर से हम ऐड कर देते हैं 150%। ओके सेव। तो यहाँ पर हमने देखा था फ्राइडे के दिन 150 के लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अभी आज इसने एग्जैक्ट 161.8% के लेवल को भी इसने अचीव किया। अभी नेक्स्ट लेवल है 176.4% का और उसके बाद 200 लेवल। तो ये कहाँ पर आती है ये आप ड्रॉ करके देख लीजिए। लेकिन अगर RSI को देखें तो एक बात ध्यान में रखना होगा कि RSI अभी ओवरबॉट जोन में है। ये जो जोन है 7200, यहाँ पर ओवरबॉट जोन माना जाता है। जब जब ये ऊपर 70 के ऊपर चला जाता है तो प्राइस एक्शन में एक करेक्शन आता है। तो अभी ये 70 के ऊपर चला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुरंत यहाँ पर एक करेक्शन आएगा। जब तक यह प्राइस एक्शन में हमें सिग्नल नहीं मिलता और उसके बाद कन्फर्मेशन नहीं मिलता कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है, तब तक यहाँ पर शॉर्ट करना काफ़ी नुकसानदायी हो सकता है। हमें वेट करना होगा सिग्नल और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए। ये RSI हमें हिंट देता है कि यहाँ से भाई करेक्शन आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 70 के बाद जल्द से प्राइस एक्शन में हमें देखने को मिला, क्योंकि 70 में आने के बाद जो ओवरबॉट जोन है वो एक्सट्रीम ओवरबॉट भी बन सकता है और निफ्टी यहाँ से और भी तेज़ी दिखा सकता है। तो हमें अलर्ट रहना होगा, जब तक यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता ट्रेंड रिवर्सल का तब तक यहाँ पर शॉर्ट करना काफ़ी नुकसानदायी साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा सिग्नल और कंफर्मेशन के लिए। ये डेली चार्ट का सिनेरियो है, चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। ये 60 मिनट का चार्ट में इसमें हमने एक निगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस। ऊपर प्राइस एक्शन लगातार हायर हाईज क्रिएट कर रहा है, यानी प्रीवियस हाई के ऊपर नया हाई बना रहा है, लेकिन RSI को देखे तो ये लोअर हाईज क्रिएट कर रहा है। तो ये हमें अलर्ट कर रहा है कि भाई यहाँ से आ सकता है करेक्शन, लेकिन जब तक प्राइस एक्शन में हमें कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिले या फिर जो प्रीवियस स्विंग लो है जहाँ से इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था वो जब तक ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाना काफ़ी नुकसानदायी हो सकता है। तो ये जस्ट एक साइन है कि प्राइस एक्शन में करेक्शन आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि मार्केट इस समय ओवरबॉट जोन में है। और एक चीज़ है, हमने यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को 60 मिनट के चार्ट में भी ड्रॉ किया था, तो अभी हमें नया यहाँ पर ये स्विंग हाई लो मिल रहा है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो एग्जैक्ट 50% के पास आज देख सकते हैं 3 घंटे इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर इसको टच कर रहा है, पेनेट्रेट कर रहा है और जस्ट नीचे आके क्लोज कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट होगा एज पर आर्ली चार्ट 15791 का होगा, अगर इस लेवल के ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स टू। तो अभी कल के लिए हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल यानी आज का हाई 15772, ये हो सकता है हमारा ब्रेकआउट लेवल। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 775 कर देते हैं राउंड फिगर, इसके ऊपर सस्टेन करें तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15794, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 15815, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो यहाँ पर बना है इसने स्विंग हाई बनाया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्विंग हाई बना के स्विंग लो बन के ऊपर गया। तो ये स्विंग हाई जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था हो सकता है अभी यहाँ पर सपोर्ट फेस करे, तो इस सपोर्ट को ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली।
तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15711, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड जस्ट 20 EMA के ऊपर, यानी 15690, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी जो फ्राइडे को हमने लेवल्स मार्क किए थे एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास, इसने आज रेजिस्टेंस फेस किया है कई बार। काफ़ी स्लगिश मार्केट था, बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट डेड मूव देखने को मिली आज। तो कल क्या लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलेंगे बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है, एकदम आज कोई मूवमेंट ही नहीं है, ना ही हायर हाइज बन रहे ना ही लोअर लोज बन रहे। तो यहाँ पर अभी कल के लिए हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल, ये 35551, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। और ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड आज का लो, यानी 35339, क्योंकि रेंज बाउंड है, डोजी बनाया है। डोजी के बाद जब उसका हाई और लो ब्रेक होता है आइदर बोथ द डायरेक्शंस, जहाँ पर भी ब्रेक होता है कंफर्टेबली आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है, वहाँ से हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करे तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35626, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35702, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करें तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये 50 EMA का ब्लू लाइन, जो कि 35269 के आसपास है इस समय। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35184, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए, यानी 8 जून। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।